जय माता दी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने कुलदेवी माता रानी बाला सुंदरी जी के। सुबह से 5 बजे से तैयारी चल रही है और अब निकलने की तैयारी हो रही है। चलो भाई, राशन ले लिया, रेडी है हमारा। रास्ते की पिकनिक की तैयारी है। तो यहाँ से हमारी माता रानी ज्यादा दूर है नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। जो भी हमारी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा जी। जोर से बोलो जय माता दी। जी हमारी एक गाड़ी और है, दूसरी जो हमारी जा रही है पलटन। ये देखो घूंघट की आड़ में ये जो हमारा पार्टनर रहता है हमेशा, नीरज बाबू, ठीक है जी। और इस बार हमारे साथ उनके मम्मी पापा भी जा रहे हैं। ये देखो ये मेरे बलवीर चाचा और चाची जो आज हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जी बाला सुंदरी माता रानी। और आगे की अपडेट मैं देता रहूंगा आपको। हम निकल गए हैं जी अपनी कुलदेवी माता रानी के लिए दर्शन करने के लिए। और मेरी गाड़ी में बैठा है मेरा बड़ा भाई, मेरी मम्मी, मेरी भाभी और हमारा पौवा छोटा रुद्रा। और आगे एक गाड़ी जा रही है हमारी, वो जो कि साथ में रहेंगे, जिसका ड्राइविंग आज कर रहा है नीरज। और हमारा जो यहाँ से ट्रैवल का टाइम है हार्डली 1.5 घंटा या 2 घंटे का टाइम होगा। बीच में अगर हम रुकेंगे तो आपको अपडेट देते जाएंगे, बाकी स्टे ट्यून। लो जी हम पहुंच गए हैं अपने माता के दरबार में। और यहाँ थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया है। हेल्थ इशू ये देखो, आजा बेटा उधर ही आजा, वॉमिट प्रॉब्लम। हाँ जी पहुंच गए हैं माता के दरबार में। गाड़ी पार्किंग लगा के बस आगे चलते हैं, फिर चढ़ाई थोड़ी सी है उसको चढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है जी आगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। पार्किंग में पहुंच चुके हैं और ये हमारी माता बाला सुंदरी के यहाँ की पार्किंग है। ये हमारे पार्टनर की गाड़ी, ये उस्ताद जी वेटिंग में खड़े हैं, उधर मेरे चाचा चाची वेटिंग में। मम्मी गए तो। यहाँ से रास्ता जाएगा ऊपर भवन का, इंतजार में खड़े हैं यहाँ पर दूसरे जनों के। और यहाँ से दर्शन के वेट करेंगे, यहाँ से रास्ता जाएगा ऊपर भवन का। वो देखो माता का भवन ऊपर। चलो जी बाकी के लोग भी हमारे आ गए, मम्मी भाभी बाकी जो इंतजार कर रहे थे, इंतजार हुआ पूरा। और चलो भवन के लिए, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो जी जय माता दी। ये नवरात्रों की यहाँ पे तैयारियाँ हैं, नवरात्र आने वाले हैं। और यहाँ से ये प्रवेश द्वार का जो एंट्री है, यहाँ पे सारी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं इधर। बाकी अब हम भवन के ऊपर जाएंगे, अंदर जाएंगे और बाकी की वीडियो मैं अंदर से बना के डालता रहूँगा, इसी में अटैच करूँगा। बने रहें आगे की वीडियो के लिए। भवन में जाने से पहले माता रानी के लिए प्रसाद। और ये माता का जो एंट्री है, एंट्री के पास में ही है ये दुकान जो माता बाला सुंदरी के नाम से ही है, प्रसाद भंडार। हम जब भी आते हैं इसी दुकान से ही प्रसाद लेते हैं। बहुत अच्छा प्रसाद है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से ये पैक करके देते हैं, फ्रेश होता है जो भी इनके लड्डू वगैरह बनाते हैं। यहाँ से प्रसाद के लिए परचेज, यहाँ से अंदर जाएंगे। मम्मी देख के आना इधर, गीला है। और ये प्रसाद लेने के बाद माता के भवन में एंट्री के लिए चल दिए। जय माता दी। पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आए हम लोग और बहुत अंदर से बहुत खुशी है कि परिवार सबका ही ऐसे आए मिलजुल के। और हमारी भाभी को यहीं मिल गई है माता, यहीं देख टेक लिया इन्होंने माता, यहीं मिल गई और यहीं टेक लिया इन्होंने माथा। जय माता दी। रुद्रा जोर से बोल जय माता दी। माता के दरबार की एंट्री आ चुकी है। ये माता के दरबार के अंदर का है जी, बाला सुंदरी माता हमारी माता रानी, सबको खुश रखे, उनका आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। जय माता दी बोल के अपनी हाजिरी लगाएं। और ये माता रानी के अंदर का भवन है जहाँ हम माथा टेकने जा रहे हैं जी। बाकी मैं माथा टेकने के बाद आपको और वीडियो टच में लेके ऐड करता हूँ। जय माता दी। जय माता के भवन से बाहर आते हुए और ये
अंदर से बाहर आने के बाद दिया जलाया जाता है। ये मेरे चाचा जी दिया जलाते हुए रुद्रा बोल जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे हमारा छोटा भाई प्रसाद मिल गया। यहाँ पे नवरात्रों का बहुत अच्छा इंतजाम कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सारे लोग लगे हुए हैं अपने श्रद्धा अनुसार लाइटें लगाने के लिए। ये यहाँ पर पूरा पैक हो जाएगा नवरात्रों में। अभी बाकी मैं और दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ पे दिया स्थल यहाँ पे है आगे मालिक। जय माता दी। लक्की की और गोल्डी की खोपड़ी ऐसे चमक रही है धूप में एंड शाइन कर रही है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हैं जो चाचा जी अपने सिक्योरिटी के साथ माता रानी के दरबार में। यह हमारी जय काली भद्रकाली महाकाली जगदम्बे जगत तारिणी हे मेरी महामाई आपकी सदा 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 ही जय जय माता। ये जब दरबार से बाहर निकलते हैं माँ काली का दरबार यहाँ पे सारा दरबार माथा टेकते हुए यहाँ से आगे उधर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। जय माता दी। जय हो गणपति गजानन महाराज की जय। जय जगदम्बे जगत तारिणी हे मेरी महामाई आपकी सदा 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 ही जय। जय माता दी सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय श्री राम जय बजरंगी। जय श्री राम जय जय माता जय जय भोलेनाथ भोले भंडारी पिता परमेश्वर आपकी सदा 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 की जय। जय भोलेनाथ जय भैरव बाबा की जय। भाई नवरात्रों की हमारी तरफ से सबको पहले से ही बधाई हो। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और वहाँ देखो अपना जो दरबार में भेंटें गाई जा रही हैं और यहाँ का माहौल ही बिल्कुल अलग है। इतना पॉजिटिव इतना एनर्जेटिक कि मैं क्या बताऊँ आपको। और माता रानी आपका सबका भला करे। जय श्री राम। भाई अपनी हाजिरी लगाएं जय माता दी बोल के अपनी हाजिरी लगाएं। माता रानी सबका कल्याण करे। और जो भी भक्तजन अपनी जय माता दी बोले माता रानी उसका कल्याण करे उसकी सारी मनोकामना पूरी करे। तो कर लो इधर। अरे आ जाओ नाच तो लो। नाचोगी नहीं इधर। गाओ बेटे गाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे सारे बैठो इधर बैठो बैठो। मेरी बनी नहीं भाई हमारा माता के आशीर्वाद लेते हैं। जय जय हो बाबा की जय हो मैया की जय हो।
भाभी भाई मान्यता है कि इस शेर के नीचे से जो निकलेगा माता रानी उसके सारे कष्टों का अंत करेगी। शेर के बाद निकलने के बाद ये हवन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे टीका लगाया जाता है। शेर के नीचे से निकलने के बाद यहाँ पर हवन में आते हैं, फिर उसके बाद मान्यता है कि यहाँ पे लोग दीवार पे कॉइन चिपकाते हैं और जिनके कॉइन चिपक जाते हैं माता रानी उनकी जरूर मनोकामना पूरी करती है। और मैं तो ये कहूँगा जो भी माँ के दरबार में आए माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और माता के भवन से बाहर हर जगह हमारे दर्शन हो गए हैं, अब थोड़ा फोटो सेशन चलेगा। फोटो सेशन भी ज़रूरी है भाई। फोटो सेशन। हाँ जी, माता रानी के दरबार में हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। जय माता दी बोल के अपनी हाजिरी लगवाएं और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो पहले से ही। और माता रानी आपकी झोलियां भरें खुशियों से। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है वहाँ तक मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, सबको माता रानी का आशीर्वाद मिले। जय माता दी बोल के मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। जय माता दी। माता रानी के दरबार से हम लोग बाहर आ गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हमारे। इसके बाद का हम लोग यहाँ से अपनी पार्किंग से गाड़ी निकलेंगे और फिर रास्ते में रुकेंगे कुछ खाना पीने के लिए। हमेशा की तरह फैमिली हमेशा साथ होनी चाहिए। जय माता दी। माता दी बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। हम निकल गए हैं जी अपने घर के लिए वापस और रास्ते में रुकेंगे, कहीं दाना पानी चुगेंगे हम भी। रास्ते में रुकते हैं और जय माता दी बोल के फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जय माता दी। हमेशा की तरह आप सभी को कहा है कि भाई घर से खाना जरूर पैक करवा के लेकर आए। एक बार फिर हम लोग घर से खाना पैक करवा के लेकर आए हैं और इसका मजा चल रहा है। खाने का फुल देखो सर्विंग चल रही है, लक्की बाबू की सर्विंग। सबका खाने का मूड। जय माता दी। ये आउटर साइड में खाने का नजारा फैमिली के साथ। वाह, सर्विंग। हाँ भाई नीरज तुम ले लो, खाने का स्वाद लेते हुए। ये बहुत जरूरी है जी, कहीं पे भी बाहर जाएं आप खाना बना के लेके जाएं, फैमिली के साथ खाना खाएं। हाँ भाई गोल्डी, कैसा बना खाना? उड़द की दाल भर भर के। चाची मम्मी कैसा बना खाना? कैसा है, कैसा रहा ट्रिप? चाचा बहुत बढ़िया। और भाई लक्की तेरी कोक कैसी है? ये अभी पी ली। अच्छा। हाँ भाई नीरज आज तेरी चलते खानी। खाने का स्वाद बहुत जरूरी है भाई जानना। खाना पूरा हो गया और बहुत टेस्टी खाना था। हमारा सफ़र अभी तक यहाँ तक आपके साथ था और जय माता की बोल के यहीं वीडियो को मैं एंड करूँगा और उम्मीद करूँगा कि सबकी माता रानी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। अगली वीडियो के साथ आऊंगा, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।